दोस्तों आज के वीडियो क्लासेस में मैं आपको फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों इसके लिए जो मेरे पास यहाँ फोटो है वो ये वाला फोटो है, देखिएगा। इस सिंपल से फोटो को कुछ हम इस प्रकार से प्रोफेशनल बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप मेरे पास ये है, इस फोटो को पहले हम एडिटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ब्राइटनेस को इसके थोड़ी इंक्रीज करेंगे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कीजिए, कंट्रोल एम से थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ाइए। उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं कि ब्राइटनेस पूरे फोटो में आ चुका है। हम चाहते हैं ब्राइटनेस ओनली कहाँ पे, ओनली फेस पे चाहते हैं। यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करके इसको इन्वर्ट मास्किंग कर दीजिए। अब देखिएगा दोस्तों जैसा है जैसा था उसी तरह से हो गया, अपना कोई भी अभी ब्राइटनेस नहीं बढ़ा। अब क्या करना है, यहाँ जब ब्लैक हो गया यहाँ व्हाइट है तो अब बी से ब्रश टू लेना है। ध्यान रखिएगा ओपेसिटी 100% हो। देखिएगा और देखते हैं कहाँ कहाँ हाथ में भी ब्राइटनेस बढ़ा। दोस्तों इसके बाद दोनों लेयर का मर्ज कर दीजिए। दोस्तों यदि आपको मास्किंग का ट्यूटोरियल देखना है आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों दोनों लेयर को मर्ज करने के बाद फिर से कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कीजिए और चेहरे पे जैसा कि आप देख रहे हैं रेड टोन दिख रहा है, इसको थोड़ी से डिक्रीज करना है। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कीजिए और इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके सिलेक्टेड कलर में जाके थोड़ी सी रेड, यहाँ रेड टोन होना चाहिए, थोड़ी सी इसको कम कर दीजिए। अब दोनों लेयर को मर्ज कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, अब हमारा तीसरा प्रोसेस है, हम चाहते हैं चेहरे को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। अब चलिए हम इसको करते कैसे हैं। दोस्तों मैं इसके लिए यहाँ पे एक प्लगइन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है पोर्ट्रेचा। दोस्तों वैसे तो ये पेड प्लगइन है पर आप चाहे तो इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप हमें कॉमेंट कीजिए, इस प्लगइन को कैसे फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल जे से आपको डुप्लीकेट कर देना है और जाना है फिल्टर में जाना है और यहाँ पोर्ट्रेचा नाम का प्लगइन है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ अपन हमेशा नॉर्मल रखिए, इसको ओके कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बिफोर आफ्टर करके दिखाऊं आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ हो गया, पर हम चाहते हैं इतना स्मूथ नहीं 50% करना चाहते हैं। तो ये स्मूथनेस पूरा फोटो को कर दिया है, हम आंख में नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि मास्किंग में आपने देखा है कि यहाँ व्हाइट है तो यहाँ ब्लैक होना चाहिए, एक्सेप्ट टॉगल कर दीजिए और यहाँ मास्किंग में यहाँ रिमूव कर दीजिए, दोनों लेयर को मर्ज कर लीजिए। दोस्तों अपना फोटो एडिटिंग हो गया, अब हम लोग चाहेंगे फोटो का कटआउट करके बैकग्राउंड रिमूव करना। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं फोटोशॉप का सीसी वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं पेंटून का यूज करूँ तो इट टेक्स मोर टाइम। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, फोटोशॉप में सीसी वर्जन में एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का टूल्स है जिसको हम यूज करेंगे और बहुत ही जल्द में फास्ट में आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप सीसी वर्जन आपके पास नहीं है आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप सीसी का फुल वर्जन कैसे डाउनलोड और यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सिलेक्शन टूल पे जाना है, यहाँ करना सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब एक बार ऊपर से नीचे जाके देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन कैसा हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं सिलेक्शन बहुत अच्छा से हुआ है, यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद यहाँ एक टूल्स है डिटरमिनेट कलर्स, इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया, अब हम चाहते हैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड इसके पीछे डालने के लिए, चलिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि फ्री में आप बैकग्राउंड अपना कॉमर्स यूज के लिए कैसे डाउनलोड और कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में जाके लिखिए फ्री स्टॉक इमेजेज और यहाँ पे पिक्सेल है, यहाँ अनस्प्लास है, पिक्सेल है, मैं यहाँ पे अनस्प्लास पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही यहाँ मैं लिखूँ रोड तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे पिक्चर आ चुके हैं। आप इस वेबसाइट से फ्री में बैकग्राउंड यूज करके और अपने कॉमर्शियल पे यूज कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री। दोस्तों इतना करने के बाद इसको सीधा डाउनलोड कर दीजिए, इस पिक्चर को क्लिक करके आप अपने फोटोशॉप में ले आइए और इसको स्केल कीजिए, पीछे ले आइए। दोस्तों इतना करने के बाद आपको एक काम क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको करना होता है। दोस्तों कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसलिए करते हैं, जब आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा तो फोटो को जब आप छोटा बड़ा कीजिएगा तो आपका फोटो कभी भी नहीं फटेगी। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को बैकग्राउंड के हिसाब से स्केल करनी है। कंट्रोल टी से
आप सिलेक्शन कीजिए और फोटो को अपने हिसाब से इसको यहाँ प्लेसमेंट कीजिए। दोस्तों फोटो को सिलेक्शन होते हुए कंट्रोल ए कीजिए और इसको प्लेसमेंट सेंटर कर दीजिए। अब दोस्तों अभी आप क्या देख रहे हैं कि फोटो लग रहा है कि इसे हवा में रखा हुआ है। इसके नीचे एक हमें शेडो देना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये चीज ध्यान करना है कि इसके नीचे एक लेयर आपको लेना है और बीच से ब्रश टू लेना है और यहाँ ब्लैक कलर हो और यहाँ एक शेडो आपको देंगे। शेडो बनाना है आपको यहाँ पे। दोस्तों कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कीजिए और इस प्रकार से बन गया। दोस्तों हम चाहते हैं इसका एक पिक्चर का रिफ्लेक्शन बन के आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जे से इसको डुप्लीकेट करना है, नीचे लेयर को कंट्रोल टी करना है और यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से कर देना है और कंट्रोल टी करते हुए इसको कंट्रोल की प्रेस करके अपने हिसाब से अच्छे से प्लेसमेंट कर दीजिए और दोस्तों इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट आपको कर देना है और ऑफ कोर्स इसको ओपेसिटी हमें कम करने पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से हम लोग कर दिए। दोस्तों इतना करने के बाद हम चाहते हैं ये स्काई का जो कलर है इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ आप मैं आपको जो टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फोटोशॉप में स्काई रिप्लेसमेंट करने का एक टूल्स दिया गया फोटोशॉप में, उसको मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, अपना जो बैकग्राउंड का पिक्चर है इस पे जाना है और एडिट में जाके स्काई रिप्लेसमेंट का जो टूल्स है इसको सीधा कर दें। दोस्तों आप जैसे आप देख रहे हैं कितना अच्छा से आपका स्काई रिप्लेसमेंट यहाँ हो चुका है, इस पे ओके कर दीजिए। अब दोस्तों इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका उस तरह का लुक आना शुरू हो गया। आप फोटोशॉप में कुछ लट्स होते हैं जिसके माध्यम से पूरा पिक्चर और बैकग्राउंड का सेम आपको मतलब सेम टोन और सेम कलर दिखना चाहिए। इसके लिए एक फ्री में लट्स है जिसको हम यूज करेंगे। कलर लुकअप जाना है और यहाँ से आप जो है देखिए कौन सा लट्स आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों ये लट्स मैं यूज कर रहा हूँ, बस इसमें ये काम करना है इसका ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देते हैं और लास्ट में यहाँ से लेवल्स आपको ऐड कर देनी है। तो दोस्तों ये आपका एक फोटो एडिटिंग बन के तैयार हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंट्रोल जी कर दूं, पहले आपका फोटो कुछ इस प्रकार था और मैंने इस फोटो को कुछ इस प्रकार से बना के दिखा दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देख लिया कि एक फोटो का कटआउट कैसे करते हैं और फोटो और बैकग्राउंड को आपस में सेम टोन सेम इफेक्ट हम लोग देते कैसे हैं।